शाहरुख खान अपने स्टारडम का डंका बजाने के लिए फिल्म जीरो को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने की तैयारी में है, क्योंकि शाहरुख की लास्ट मूवी जब हैरी मेट सेजल पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म को डायरेक्टर इम्तियाज अली ने बनाया था, लेकिन इस बार बादशाह खान को अपनी फिल्म जीरो से काफी उम्मीदें हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान एक बौने के किरदार में नजर आने वाले हैं और उनके साथ एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, अभय देओल और तिग्मांशु धूलिया भी मेन लीड में दिखने वाले हैं। वहीं सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती भी पक्की हो गई है, इसलिए इस फिल्म में सलमान खान एक कैमियो करते दिखने वाले हैं। फिल्म जीरो के बारे में कुछ भी ज्यादा खबरें सामने नहीं आई हैं, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आनंद एल राय सभी कलाकारों को कुछ भी बयान देने से मना कर रहे हैं। इस बात को खुद शाहरुख खान भी मानते हैं। शाहरुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म जीरो इस साल दिसंबर के क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। अब देखना है कि किंग खान बॉलीवुड में अपनी बादशाहत कैसे बचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री।